तो कहे हैं कि टेंसेज अब आएंगे समझ ज्यादा से ज्यादा, टेंसेज अब समझ में आएंगे कमाल से भी ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सईद ज़ादा। वाह क्या कमाल का शेर है सर, एक नया अंदाज होगा लाइफ में। मेरी एक बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको इन तीन सवालों का जवाब आपके पास है तो जिंदगी में आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, गारंटी से बात कह रहा हूं मैं आपको। नंबर वन, आपको अगर इस सवाल का जवाब मालूम है, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर वन क्या, मैं दुनिया में क्यों आया, व्हाई आई केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैं दुनिया में आया क्यों, इसका जवाब आपके पास है, कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता है। दूसरा, आपको ये पता है कि मैं हूं क्या, हूम एम आई, इसका जवाब है, तरक्की को कोई आपको रोक नहीं सकता है। तीसरा, आपको ये मालूम है कि मैं क्या करूंगा आगे, आपके पास एक प्लान है कि मैं जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करूंगा, सोसाइटी को ये दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। तीन सवाल है, मैं आया क्यों, मैं हूं क्या, मैं करूंगा क्या, सेम इज द केस। दोस्तों जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रामर है, ग्रामर में ये टेंस आया क्यों है, है क्या, करेगा क्या, मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूं ताकि उसी एनर्जी से आप भी समझेंगे टेंस है क्या, करता क्या है, क्यों आया है, ये हमारा मेन मुद्दा है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की इस खूबसूरत वीडियो में। व्हाई टेंसेस वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लिश, क्यों आए, व्हाट आर टेंसेस, व्हाट आर दे मेंट फॉर, है क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, बी अटेंटिव नाउ। अंग्रेज का बच्चा बोलता है कि टेंस जो है ये एक ओल्ड लैंग्वेज वर्ड से निकला है, एक ओरिजिन इसका जो बताया जा रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन में लैटिन वर्ड है टेम्पस, ओरिजिन बता रहा है कि अंग्रेज का बच्चा बोलता है लैटिन लैंग्वेज में वर्ड था टेम्पस, उस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, या इसे सिंपली कहेगा पीरियड ऑफ टाइम। टेम्पस, टेम्पस इज ए लैटिन वर्ड, यहां से निकला है आपका टेंस। कुछ कहने वालों का, ग्रामरियंस का ये कहना है, एक वर्ड है जिसका नाम है TNS, ये है इसका असल में ओरिजिन। कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं ओरिजिन इसका ये है TNS, कुछ ने कहा इसका ओरिजिन है TMPS। बहरहाल जो भी इसका ओरिजिन है, बताना ये मकसूद है कि इसका मीनिंग है टाइम, टेंस मीन्स फॉर टाइम। अब मुझे आप बताओ कैसा टाइम, किसका टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, सोने का टाइम, कैसा टाइम भाई, इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर येट, अभी तक जानकारी पूरी हमारे पास नहीं है। आइए इसी अंग्रेज से पूछते हैं, बताओ ये तो तूने बताया कि टेंस मतलब होता है टाइम, कैसा टाइम है। इससे पहले मैं ये बता दूं, टेंसेस कब ग्रामर में आ गए, कब तक थे नहीं भाई, इन टेंसेस को ग्रामर में 14th सेंचुरी में लाया गया है, क्या बोलिए, 14th सेंचुरी को ये टेंसेस ग्रामर में इनकॉर्पोरेट किया गया है, है ना बच्चे, बोलो टाइम, इस वक्त टाइम हुआ मान लीजिए 3:00 इस वक्त, 3 PM है, 3 PM ये टाइम है, ये टाइम है राइट। अच्छा इस टाइम के इस समय, इस लम्हे, इस साइड, लेफ्ट साइड, अगर एक लम्हा भी गुजर गया हो, ए मोमेंट जस्ट आफ्टर दिस, इसके बाद जो है इट इज पास्ट, ए मोमेंट अहेड दिस इज फ्यूचर, समझ आ रहा है, यानी कि 2:59 ये आपका पास्ट हो गया है और यहां पे 3:01 जो है ये आपका फ्यूचर हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम के डोमेन्स है, एरियाज है, नंबर वन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, समझ में आ रहा है। तो ये हम कहेंगे ये जो सारा कुछ है ये हमारा बनेगा टाइम ऑफ एक्शन। बताओ मुझे भाइयों कि हम एक्शन किस टाइम फ्रेम में हुआ, क्या ये प्रेजेंट में हुआ, क्या ये पास्ट में हुआ, क्या ये फ्यूचर में हुआ, टाइम फ्रेम क्या है, किस में हुआ, वो क्या बताएगा, टाइम ऑफ एक्शन। अरे दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा है, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा है, हर एक से अपनी तबीयत भी नहीं मिलती। बताओ ये जो मैंने लव लिखा है, ये जो प्रेम लिखा है, ये जो मोहब्बत लिखी है, क्या ये दिखती है, तभी तो बंदा करता है, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि ये कहां, ये अपना ये बच्चा कहां बेचारा टूट गया है,
समझ रहे बात आप? तो ये जो लव है दिखता नहीं है, तभी तो बंदा कभी धोखा भी खाता है, समझ रहे ना? वेरी गुड, हंसो नहीं, छोड़ो। एक लव है जिसको भी हम वर्ब कहते हैं, आज तो हम सर समझ गए, हालांकि इसमें एक्शन तो नहीं है, एक्शन नहीं है, पर सर ने पढ़ाया अभी कि वर्ब वो होता है जो एक बताएगा आपको आपको अबाउट एक्शन, दूसरा बताएगा अबाउट स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो लव है एक्शन तो नहीं बता रहा है, लेकिन स्टेट बता रहा है, किसकी? सब्जेक्ट की, दिल की, भाई दिल की कंडीशन बता रहा है। तो आज समझ गए हम, वो हम उसे भी कहते हैं जो एक्शन दिखाता है, वो हम उसे भी कहते हैं जो एक्शन नहीं बताता है, जो स्टेट बताता है। स्टेट क्या है? दिल की कंडीशन का नाम, दिल अच्छा लग रहा है, दिल उसको अच्छा मान रहा है, मोहब्बत है, दिल से वो बुरा है तो मोहब्बत